नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ कल्पना। शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं महानगर की खबरों की ओर। ईडी के सामने कुंतल का विस्फोटक बयान, कहा पार्थ चैटर्जी ने भी लिए थे 15 करोड़ रुपए। शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पार्थ चैटर्जी इसी मामले में फंसे कुंतल घोष के भी संपर्क में थे। ईडी की पूछताछ में तृणमूल के युवा नेता ने ऐसा विस्फोटक दावा किया है। कुंतल ने यह भी दावा किया कि उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री के सचिव के माध्यम से पार्थ चैटर्जी को 15 करोड़ रुपए भेजे थे। हावड़ा में शराब पीने और जुआ खेलने वाले लोगों को रोकना एक व्यक्ति को इतना महंगा पड़ा कि उसे अपनी ही जान गंवानी पड़ी। स्थानीय लोगों का अंदेशा है कि इलाके में शराब और जुए का विरोध करने पर युवक के पेट में टूटी बोतल डालकर उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने शुरू में दावा किया कि हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई है। आपको बताते चले, मृतक की पहचान रवि राय 45 वर्ष के रूप में की गई है। की देख लाम दादा रेखा ने बॉडी टा पोड़ा आछे, तो से जो ने आमरा सर देके ऑब्जेक्शन सर के देखे आमरा बोललाम सर निजे काज करछे। की अवस्था परिस्थिति আমি তো দেখিনি, 10টা লোক এসে বলছে কি এরকম এরকম বাবা দেখি পড়ে আছে। আমার মাসির ছেলে। बीरभूम जिले में भारी मात्रा में अवैध कोयला बरामद हुआ है। कोयले की अवैध तस्करी बैलगाड़ी से की जा रही थी। पुलिस ने करीब 18 टन कोयला जब्त किया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। हावड़ा से एनजेपी तेज गति से चल रही वंदे भारत एक्सप्रेस जारी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रेलवे सूत्रों ने दावा किया है कि यह हाई स्पीड ट्रेन बहुत जल्द ही जगन्नाथ धाम के लिए अपनी यात्रा शुरू कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक अगले महीने ही हावड़ा से पुरी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो सकती है। अब रुक कर लेते हैं देश और विदेश की खबरों की ओर। परीक्षा पर चर्चा में क्रिकेट और गुगली का जिक्र, पीएम ने प्रेशर टालने का मंत्र दिया, दर्शक चौका छक्का चिल्लाते हैं पर बैट्समैन गेंद देखकर शॉट खेलता है। सभी खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।